इंदौर शहर के बिगड़ते ट्रैफिक की सुधार को लेकर इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर ट्रैफिक सुधार की बात कही जा रही हो, लेकिन शहर में अव्यवस्थित ट्रैफिक के चलते आए दिन एक्सीडेंट व विवाद सामने आते रहते हैं। उसी के मद्देनज़र फिर एक बार शनिवार दोपहर एक बाइक व कार सवार के बीच टक्कर होने से विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पूरा मामला पलासिया थाने में कुछ ही दूर कदम दूरी का है, जहां गाड़ी टकराने के बाद जमकर विवाद हो गया। विवाद में मारपीट जमकर दिखाई दी, जिसमें विनोबा नगर के रहने वाले विशाल नामक युवक की गोल्डी और आशीष ने जमकर पिटाई कर दी। बाइक से जा रहे विशाल की बाइक को आशीष की कार ने टक्कर मार दी थी, जिस पर शुरू हुए विवाद के बाद चलते रोड पर आशीष और उसके साथ की महिलाओं ने कार से उतरकर विशाल पर हमला बोल दिया। इसी दौरान कार सवार युवती ने अपने अन्य साथियों को बुलाया, मौके पर पहुंचे गोल्डी ने आशीष पर जमकर हमला बोल दिया, जहां आशीष को पकड़कर उसे बुरी तरह लात घूंसों से पीट दिया। वहीं विवाद के चलते सड़क पर कार खड़ी होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। हाँ, मारपीट हुई है अपने बड़वानी प्लाजा जो आम रोड है पलासिया में, वहाँ पे दो पक्ष के गाड़ी से जा रहे थे, जो आपस में कोई गाड़ी वाड़ी टकराने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। इस बात पे दोनों झगड़ रहे थे, तो पुलिस ने दोनों पक्षों को लाके बंद किया है। दोनों पक्षों को एक सिक्का बंद करके दोनों को भी न्यायालय भेजा जा रहा है।